हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो वीडियो इट्स एक्सेसिबल टू यू। सो कर दीजिए कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके सो दैट वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन। कर दीजिए कंफर्म, प्लीज कंफर्म क्विकली। योर ऑडियो वीडियो इज ओके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो आज का डिस्कशन जो है वो हमारा मॉड्यूल बी के चैप्टर 11, जो हमारा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट है, उसको लेकर के है। तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं PSS एक्ट 2007, इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 12 अगस्त 2008। तो 2007 का ये एक्ट है जिसका पूरा नाम है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, और इसको इम्प्लीमेंट किया गया 12 अगस्त 2008 को। मैनी टाइम्स सच क्वेश्चन आर ऑल्सो आस्क्ड के उस एक्ट को कब से इम्प्लीमेंट किया गया। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन का डेट केयरफुली नोट कर लें और याद रखें। सो दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। ये एक्ट पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इट वॉज एक्सटेंडेड टू होल ऑफ इंडिया। द PSS एक्ट प्रोवाइड्स, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्या प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन। दो चीजें इंपॉर्टेंट हो गई, रेगुलेशन एंड सुपरविजन। किस चीज का रेगुलेशन? पेमेंट सिस्टम्स का रेगुलेशन। पेमेंट सिस्टम्स का रेगुलेशन इन इंडिया, और इस पर्पस के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी अपॉइंट किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, एंड डेजिग्नेट्स RBI एज अथॉरिटी फॉर दैट पर्पस। सो दैट पर्पस मींस फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन, एंड ऑल रिलेटेड मैटर्स टू पेमेंट एंड सेटलमेंट्स। सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सो पेमेंट एंड सेटल सिस्टम को रेगुलेट करना और उसको सुपरवाइज करना, और उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द रेगुलेटर और रेगुलेटिंग अथॉरिटी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेशन और सुपरविजन का ये काम किसके थ्रू करता है? सो फॉर दैट पर्पज देर इज BPSS, बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स। BPSS, बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स। RBI can constitute a committee of its central board known as BPSS. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है, और इनफैक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट कर दी है। सो ए कमेटी ऑफ इट्स सेंट्रल बोर्ड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो सेंट्रल बोर्ड है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ लोकल बोर्ड हैं 4 और एक सेंट्रल बोर्ड है। तो ये जो कमेटी है, ये जो बोर्ड है, ये सेंट्रल बोर्ड की कमेटी है,
जिसको हम BPSS कहते हैं। इस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट क्यों किया गया, इसका गठन क्यों किया गया? टू एक्सरसाइज इट्स पावर्स एंड परफॉर्म इट्स फंक्शंस एंड डिस्चार्ज इट्स ड्यूटीज अंडर दिस स्टैट्यूट। तो इस एक्ट के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो पावर्स हैं, इट्स पावर्स मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पावर्स, इट्स फंक्शंस मीन्स फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पावर्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ड्यूटीज अंडर दिस एक्ट कौन परफॉर्म करेगा? इट विल बी परफॉर्म्ड बाय BPSS। सो इट इज थ्रू दिस बोर्ड। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर सो फार। यहां तक हर चीज अच्छे से क्लियर है। अब इस बोर्ड का कंपोजिशन क्या है, इस बोर्ड में कौन कौन लोग हैं, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ दिस बोर्ड? सो फर्स्ट, द गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द चेयरपर्सन एक्स ऑफिशियो। इसको जो चेयरपर्सन है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर और वो एक्स ऑफिशियो है। सो इसके अलावा हु आर अदर मेंबर्स? डिप्टी गवर्नर इन चार्ज ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स, वो मेंबर है एक्स ऑफिशियो। डिप्टी गवर्नर इन चार्ज जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स के इंचार्ज हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, यहाँ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं एंड वन ऑफ द डिपार्टमेंट लुक्स आफ्टर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, उनके जो गवर्नर हैं तो ही इज मेंबर एक्स ऑफिशियो। एंड हु एल्स इज देयर, और कौन है? देन वन ऑफिसर ऑफ RBI नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI, वो भी एक्स ऑफिशियो है। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक ऑफिसर जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल बोर्ड ने अपॉइंट किया, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देन थ्री persons नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, दे आर मेंबर्स। सो तीन लोग जो नॉमिनेट किए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, दे आर मेंबर्स। तो दिस मीन्स देयर आर थ्री persons फ्रॉम RBI साइड एंड देयर आर थ्री persons नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये है BPSS का कॉन्स्टिट्यूशन। तो आई एम श्योर एवरीथिंग इज क्लियर सो फार। अगर ऐसा है तो स्माइलिंग आइकन पोस्ट करके कंफर्म कर दीजिए दैट एवरीथिंग इज क्लियर सो फार। सो ऑल लाइव क्लास स्टूडेंट्स क्विकली स्माइलिंग आइकन पोस्ट कर देंगे दैट एवरीथिंग इज क्लियर। कर दीजिए कंफर्म बाय पोस्टिंग द स्माइलिंग आइकन। चलिए अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आप प्रोवाइड करेंगे। तो लेट अस रीड दोस क्वेश्चंस, लेट अस डिस्कस दोस क्वेश्चंस। सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 केम इनटू इफेक्ट इन इंडिया? ये एक्ट कब इंडिया में इफेक्टिव बना? ये हमारी डिफरेंट डेट्स है। सो देखिए कब से ये इफेक्टिव बना। रीड ऑल ऑप्शंस केयरफुली और उनको आंसर करिए। 12th अगस्त 2008, 12th अगस्त 2007,
12th August 2006 या 12th August 2009? So what will be the answer for question number 1? एक नंबर क्वेश्चन के लिए आंसर क्या बनेगा? तो फॉर क्वेश्चन नंबर 1 आंसर विल बी ए 12th August 2008। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007? ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट को एनेक्ट करने का? ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। रीड ऑल ऑप्शंस वेरी केयरफुली एंड देन आंसर। टू प्रोवाइड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट सिस्टम्स इन इंडिया। टू प्रोवाइड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ बैंक्स इन इंडिया। टू प्रोवाइड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया और स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया। तो किसको रेगुलेट और सुपरवाइज करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया? सो रिकॉल करें हम अपनी मेमोरी से, तो कोशिश करें बगैर इसका आंसर कॉपी में देखे इसको आंसर करें। सो इंस्टेड यूज योर मेमोरी। आई एम श्योर के इस क्लास के हैंड रिटन नोट्स आप साथ साथ प्रिपेयर कर रहे होंगे। सो जब आप हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो जो रिटेंशन है वो इम्प्रूव होती है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी इम्प्रूव होती है और फिर रिकॉल करना इजी हो जाता है। तो आंसर हियर इज ए, टू प्रोवाइड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट सिस्टम्स इन इंडिया। क्वेश्चन 3, Which organization is designated as authority for regulating and supervising payment systems in India under PSS Act? So, किस organization को designate किया है as authority to regulate and supervise payment systems? So, it is BPSS, it is SEBI, it is Reserve Bank of India, or it is IRDAI. तो किसको डेजिग्नेट किया गया एज अथॉरिटी? क्वेश्चन नंबर 3। तो आंसर दिस क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 3, सो विच ऑर्गेनाइजेशन इज डेजिग्नेटेड? सो इट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बिहाफ के ऊपर ये पावर्स आरबीआई ने किसको डेलीगेट की हैं? तो दीज पावर्स हैव बीन डेलीगेटेड टू बीपीएसएस। यानी एक्ट के अंदर ये अथॉरिटी किसको है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, और इसके बिहाफ के ऊपर ये अथॉरिटी यूज कौन करेगा? बीपीएसएस। सो अगर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें आवर आंसर विल बी सी। What is BPSS? Board for Regulation and Supervision of Payment and Settlement Systems क्या है? Committee of Central Board of RBI, Committee of SEBI, Committee of IRDA या Committee from Ministry of Finance? So what is the BPSS? BPSS क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द आंसर? सो क्वेश्चन 4 के लिए आंसर है इट इज अ कमेटी ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ बीपीएसएस? बीपीएसएस का चेयरपर्सन कौन है? गवर्नर आरबीआई, डिप्टी गवर्नर इंचार्ज ऑफ आरबीआई, ऑफिसर नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई या पर्सन नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट? हु इज चेयरपर्सन? बीपीएसएस का चेयरपर्सन कौन है? सो
सो इट इज गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आरबीआई के गवर्नर हैं. हु इज एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ बीपीएसएस, इंचार्ज ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम. सो एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन है बीपीएसएस के, और हु इज इंचार्ज ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स. तो हमारे ऑप्शन आंसर्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं. गवर्नर रिजर्व बैंक, डिप्टी गवर्नर आरबीआई इंचार्ज ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स, ऑफिसर नॉमिनेटेड बाय आरबीआई, और पर्सन नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. तो हमने बताना है एक्स ऑफिशियल मेंबर इंचार्ज ऑफ पीएसएस, तो इट इज डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर. हाउ मेनी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स आर देयर इन बोर्ड फॉर बीपीएसएस, सो कितने एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं इस बोर्ड के अंदर, एक, दो, तीन या चार. हाउ मेनी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स. So what is the answer? So ex officio members तीन हैं. तो एक गवर्नर RBI, डिप्टी गवर्नर, एंड तीसरा पर्सन नॉमिनेटेड बाई RBI. क्वेश्चन नंबर एट, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट. So 1, 2, 3 or 4, वेरी इजी क्वेश्चन. कितने मेंबर्स हैं जो BPS, जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है. सो देर आर थ्री मेंबर्स जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है. चलिए फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन आंसर्स रिलेटिंग टू दिस पार्ट. अब हम इसके अगले पार्ट के ऊपर चलते हैं, लेकिन अगले पार्ट में जाने से पहले, तो हियर इज सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू. सो कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए आप हमारे वीडियो लेसन्स को यूज़ कर सकते हैं, और कॉन्सेप्ट्स में बेटर क्लैरिटी लाने के लिए आप केस स्टडीज़ के वीडियो लेसन्स को यूज़ कर सकते हैं जो अलग से अवेलेबल होते हैं. सो ये बेस्ट क्वालिटी वीडियो लेसन्स एट ए वेरी लो प्राइस आपको मिल जाएंगे हमारी ऐप के अंदर. तो आई एम श्योर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इन वीडियो लेसन्स को यूज़ कर रहे होंगे. और केस स्टडीज़ के बारे में एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ध्यान में रखना है, अगर आप CIB के अंदर केस स्टडी क्वेश्चंस को हैंडल नहीं कर सकते, तो इस एग्ज़ाम में पास होना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क बन जाता है. इसीलिए केस स्टडीज़ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं तो केस स्टडीज़ ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें. और ये केस स्टडीज़ आपको रेडीमेड मिल जाएंगी हमारी ऐप के अंदर. तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु नॉमिनेट्स द ऑफिसर्स ऑफ RBI टू बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट सिस्टम. सो हु नॉमिनेट ऑफिसर्स ऑफ RBI, RBI के ऑफिसर्स को कौन नॉमिनेट करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI, सेंट्रल गवर्नमेंट, या गवर्नर RBI, या डिप्टी गवर्नर RBI. तो हु नॉमिनेट्स द ऑफिसर ऑफ RBI ऑन दिस बोर्ड. इस बोर्ड के ऊपर नॉमिनेट करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI. RBI का जो सेंट्रल बोर्ड है वो नॉमिनेट करता है अपने ऑफिसर को ऑन द बोर्ड. तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं, अथोराइजेशन फॉर पेमेंट सिस्टम्स. तो जो भी पेमेंट सिस्टम्स को इंस्टॉल करेगा, सेटअप करेगा, उसके लिए अथोराइजेशन के रूल्स क्या हैं, ये अथोराइजेशन कौन देता है, किस आधार पर देता है, क्या क्या उसकी कंडीशंस हैं. सो ऑल दोज डिटेल्स वी शैल ट्राई टू डिस्कस नाउ. सो अथोराइजेशन फॉर पेमेंट सिस्टम्स,
No person other than RBI can operate any system without authorization of RBI. So RBI को छोड़ करके कोई भी person इंडिया के अंदर इन systems को operate नहीं कर सकता. तो this means Reserve Bank of India operate कर सकता है, और Reserve Bank of India के अलावा और कोई भी person operate अगर करता है तो उसको RBI का authorization चाहिए. तो यानी यहाँ पे हम इन पेमेंट सिस्टम्स को ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से दो पार्ट्स में सेग्रीगेट कर सकते हैं. सो वन इज आरबीआई, आरबीआई कैन ऑपरेट इट, आरबीआई हैज बीन गिवन अथॉरिटी इन द एक्ट इटसेल्फ. और अगर किसी और ने ऑपरेट करना है तो दे नीड अथोराइजेशन फ्रॉम रिजर्व बैंक, तो दे नीड अथॉरिटी और अथोराइजेशन फ्रॉम आरबीआई. RBI में अथोराइज एक कंपनी और एक कॉरपोरेशन. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसको अथोराइज कर सकता है, कंपनी को या कॉरपोरेशन को, टू ऑपरेट और रेगुलेट एग्जिस्टिंग क्लियरिंग हाउस और न्यू क्लियरिंग हाउस ऑफ बैंक्स, टू हैव कॉमन रिटेल क्लियरिंग हाउस सिस्टम फॉर बैंक्स थ्रू आउट द कंट्री. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अथोराइज कर सकता है किसी कंपनी को, किसी कॉरपोरेशन को, कि वो ऑपरेट करे या रेगुलेट करे एग्जिस्टिंग क्लियरिंग हाउस को, या न्यू क्लियरिंग हाउस ऑफ बैंक्स किस पर्पस के लिए, फॉर कॉमन रिटेल क्लियरिंग हाउस सिस्टम फॉर बैंक्स थ्रू आउट द कंट्री. At least 51% of equity of such company or corporation shall be held by public sector banks. इस तरह की कंपनी या इस तरह की कॉरपोरेशन का at least 51% जो शेयर होल्डिंग है वो पब्लिक सेक्टर banks होल्ड करेंगे. और इस प्रकार की कौन सी वो कंपनी है या कौन सी कॉरपोरेशन है, कैन यू नेम दैट कंपनी और कॉरपोरेशन जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस पर्पज के लिए अथोराइज किया है? एनी आंसर, विच इज दैट कंपनी और दैट कॉरपोरेशन? सो दैट इज कॉल्ड NPCI, नेशनल पेमेंट कंपनी और कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI. Any person or organization who desires to commence operation of payment system has to apply for authorization with RBI. So, इस एक्ट का सेक्शन 5 क्या कहता है? So, it states that if any person wants to organize or commence operations of payment system, तो उसको apply करना पड़ेगा Reserve Bank of India. और Under Section 7, Reserve Bank of India, after proper scrutiny or inquiry, will give the authorization or may refuse the authorization. Reserve Bank of India के पास दोनों ही discretion है. So, Reserve Bank of India may authorize or may not authorize, may refuse. और ये power Reserve Bank of India के पास है Section 5 में. तो सेक्शन 5 में प्रोविजन है अप्लाई करने का, सेक्शन 7 में प्रोविजन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा उसको डिस्पोज ऑफ करने का. सो ये लीगल का पेपर है, इसमें सेक्शंस को याद रखना, नंबर्स को और एक्ट को याद रखना हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है. कुछ क्वेश्चंस सेक्शन नंबर्स को लेकर के पूछे जाते रहे हैं जब ये जीआईबी में लीगल का पेपर था. सो जीआईबी के लीगल पेपर का सिलेबस ऑलमोस्ट इसी जैसा था जो आपके बीआरएल बीएल पेपर का है.
नो अप्रूवल। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूवल कैसे देता है, उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या देखता है। अथोराइजेशन में बी गिवन इफ आरबीआई इज सैटिस्फाइड अबाउट द फॉलोइंग। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अथोराइजेशन कब देगा, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ मैटर्स को लेकर के सैटिस्फाइड है। और वो मैटर्स क्या क्या हैं, द नीड फॉर प्रपोज्ड पेमेंट सिस्टम और सर्विसेज प्रपोज टू बी अंडरटेकन बाय इट। तो जो प्रपोज्ड पेमेंट सिस्टम है उसकी जरूरत क्या है, व्हाट इज नीड फॉर दैट प्रपोज्ड पेमेंट सिस्टम, और नीड फॉर द सर्विसेज प्रपोज्ड टू बी अंडरटेकन बाय दैट सिस्टम। तो पहले तो उस प्रपोज्ड सिस्टम की, जो भी उसको एस्टेब्लिश करेगा, उसकी जरूरत क्या है, और सेकेंडली उसकी जो सर्विसेज हैं विच इट विल प्रोवाइड, तो उनकी जरूरत क्या है या वो सर्विसेज क्या क्या हैं। सो दिस इज वन कंसिडरेशन बिफोर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के सामने ये एक कंसिडरेशन है। सेकेंड कंसिडरेशन, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स और डिजाइन ऑफ द प्रपोज्ड पेमेंट सिस्टम। जो प्रपोज्ड पेमेंट सिस्टम है जिसको एस्टेब्लिश किया जाएगा, उसका टेक्निकल स्टैंडर्ड या उसका डिजाइन क्या रहेगा। देन नंबर थ्री, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ प्रपोज्ड सिस्टम इंक्लूडिंग एनी सिक्योरिटी प्रोसीजर। जो प्रपोज्ड पेमेंट सिस्टम एस्टेब्लिश किया जाएगा उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑपरेशन की क्या होंगी और उसके अंदर सिक्योरिटी प्रोसीजर क्या होगा। तो दिस इज थर्ड कंसिडरेशन। तो ये तीसरी कंसिडरेशन है फॉर अप्रूवल बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द मैनर इन विच ट्रांसफर ऑफ फंड्स मे बी अफेक्टेड विद इन द पेमेंट सिस्टम। उस पेमेंट सिस्टम के विद इन किस तरह से ट्रांसफर ऑफ फंड्स विल हैपन। The manner in which transfer of funds may be affected within the payment system. उस payment system के अंदर जो transfers होंगी funds की, वो कैसे effect होंगी। Procedure for netting of payment instructions affecting the payment obligations under the payment system. तो payment को net off कैसे किया जाएगा, उसका procedure क्या होगा। सो प्रोसीजर फॉर नेटिंग ऑफ पेमेंट इंस्ट्रक्शंस अफेक्टिंग पेमेंट ऑब्लिगेशंस अंडर द पेमेंट सिस्टम, जो नेटिंग होगी वो किस तरह से होगी। फाइनेंशियल स्टेटस, एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट एंड इंटेग्रिटी ऑफ द एप्लीकेंट। सो जो भी पर्सन इस पेमेंट को सेटअप करेगा या एंटिटीज को सेटअप करेगी, उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा, उसकी मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस क्या होगा, या उस एप्लीकेंट की इंटेग्रिटी क्या रहेगी। इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स मींस कस्टमर्स इंक्लूडिंग टर्म्स एंड कंडीशंस गवर्निंग देयर रिलेशनशिप विद पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स। तो जो अप्रूवल देते समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये ध्यान भी रखेगा कि जो कस्टमर्स होंगे उनके इंटरेस्ट को हित में रखा जाए, और टर्म्स एंड कंडीशन जो गवर्न करेंगे उनके रिलेशनशिप को विद पेमेंट सिस्टम, तो दैट विल बी आल्सो गिवन ड्यू कंसीडरेशन। एंड देन मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी टू बी अडॉप्टेड, मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी टू बी अडॉप्टेड। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये अथोराइजेशन देने के लिए टाइम लाइन क्या रखेगा, एवरी एप्लीकेशन फॉर अथोराइजेशन शैल बी प्रोसेस्ड विद इन 6 months, 6 महीने के अंदर उस एप्लीकेशन को प्रोसेस कर दिया जाएगा। मीन्स उसके ऊपर डिसीजन अप्रूवल का या रिफ्यूजल का ड्यूरिंग दिस पीरियड दे दिया जाएगा।
चलिए फ्रेंड्स, आज के इस सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। आज के सेशन के साथ रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उस क्वेश्चन को आप इस वीडियो लेसन के कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो इस वीडियो लेसन के कमेंट बॉक्स को यूज़ करिए और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वहाँ उसको टाइप कर देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। इसके अलावा अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो आप उसे यहाँ पोस्ट कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी के ऊपर। इन एडिशन आप हमारे ऐप के मैसेज बॉक्स को भी यूज़ कर सकते हैं फॉर योर क्वेरी। चलिए फ्रेंड्स, अब इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।